क्या बात है तुझे? मैं रेणु को पार्क में ले जा रही हूँ। इसने दूध पिया? जी हाँ। आज जाओ रानी बेटी, दूध पिया है? पार्क में जाएगी घूमने तू है? रानी बिटिया, अरे इसका फ्रॉक तो बदल दे। अभी बदल दे। जा जा। बीबी जी, आपने गंगा को खाना बनाने के लिए मना किया क्या? हाँ, आज मैं बाबूजी के साथ थिएटर जा रही हूँ, खाना हम बाहर ही खाएंगे। लेकिन मैंने तो गंगा को खाना बनाने के लिए कह दिया है। क्यों? बाबूजी का क्या भरोसा, आए ना आए, इतने दिन शादी को हुए, आप उन्हें अब तक नहीं समझे। अरे तुझे क्या मालूम, आज तो वो खुद कहकर गए हैं, बस आते ही होंगे। पहले कब कह के नहीं गए, पर उन्हें काम से फुर्सत मिले तब ना। काम तो सभी करते हैं, पर ऐसा काम तो नहीं देखा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं बीबी जी। क्या है? वो तो कहो अच्छा हुआ कि पहले ही शादी हो गई, वरना बाबूजी तो फेरों के वक्त भी कोर्ट में बैठे होते। मेरे तो मगज में नहीं आता कि बाबूजी को खूनी, चोर, डाकू सबके लिए वक्त मिलता है, लेकिन बीवी के लिए क्यों नहीं मिलता? देखती हूँ तेरा मुंह बहुत चलने लगा है। निर्मल कुमार ऑफिस। कौन? वर्मा जी। हाँ बीबी जी। देखो जरा साहब को टेलीफोन पे बुला दो। जी साहब तो अंदर एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ है। तो उनसे पूछ के बताओ वो घर कब आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं अभी पूछ के बताता हूँ बीबी जी। हेलो बीबी जी, उन्होंने कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा। बोला है वो जरा काम में मसरूफ है, इसलिए नहीं आ सकेंगे। आपके लिए टिकट दिए हैं और बोला है आप थिएटर चली जाएं। कविता। हाँ, आप आ गए? खाना लगाऊं? खाना नहीं, खाना तो मैंने बाहर ही खा लिया था, मीटिंग में देर हो गई थी। तुम नहीं खाया क्या? नहीं। नहीं, मैंने पहले भी कई बार कहा है मुझे देर हो जाया करे तो खा लिया करो, काम में देर से वे तो हो ही जाया करती है। क्यों नहीं खाया? ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, बुखार वुखार तो नहीं ना? नहीं। टेबल गंगा साफ कर लेगा, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम ऊपर जाकर आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मैं जरा बाद में आऊंगा। बाद में कहीं आने की क्या जरूरत है, मैं आपका बिस्तर नीचे ही भिजवा देती हूँ। क्या बात है कविता, कुछ नाराज मालूम होती हो? नाराज की किस बात की, मैं आपकी कोई मुवक्किल तो हूं नहीं जो आपको मेरी नाराजगी की परवाह हो। आखिर मामला क्या है, खेल पसंद नहीं आया क्या? थिएटर में गई नहीं। गई नहीं? टिकट तो मैंने भिजवा दिए थे। टिकट भिजवा देना ही काफी था क्या, आपका आना जरूरी नहीं था? ओ, ये बात है,
क्या करूं कविता, मीटिंग में ऐसा फंस गया था क्या ना सका, पर मेरे आने से भी क्या फर्क पड़ जाता, थिएटर तुमने अपनी आंखों से देखना था, मेरी आंखों से तो नहीं। खैर थिएटर तो चलते ही रहते हैं, फिर देख लेंगे, जरा सी बात पर दिल छोटा करने की क्या जरूरत है। या आप कैसे समझेंगे, आपको मेरी तरह सारा दिन घर में अकेले तो नहीं गुजारना पड़ता। अकेले, इसमें अकेले गुजारने की क्या बात है, घर में आया है, बेबी है, रेडियोग्राम है, किताबें हैं, देखो ये पियानो कब से पड़ा है, बजाया कभी? किसके लिए बजाऊं, कौन सुनेगा? वाह ये भी खूब कही, मैं सुनूंगा और कौन सुनेगा? आप? क्यों यकीन नहीं आता? याद है कॉलेज के जमाने में अगर मैं गलती से भी तुम्हारे हॉस्टल की तरफ से गुजरता था तो तुम बेलकनी पर खड़े होकर गाना शुरू कर देती थी। तो आप गलती से रुक क्यों जाते थे? कविता अगर मैं ये हसीन गलती नहीं करता तो तुम मुझे कैसे मिलती?
मक्खियां मार रहा हूं, आपको कुछ एतराज है? तुम्हें मक्खियां मारने के अलावा कोई काम नहीं? और क्या करूं, हम भी ऐसे बुजदिलों के मोहल्ले में आ बसे हैं कि कोसों तक कोई झगड़ा फसाद चोरी डाका सुनाई नहीं देता। केस मिले तो कहां से मिले? केस मिल भी गया तो तुम कौन से तीर मार लोगे? अपने नौकर का केस लो ना, बेचारे को जेल भिजवा दिया तो क्या करता? हमारे घर भूखा मर रहा था, जेल में दो वक्त रोटी तो मिलेगी। अब अपनी रोटी की फिक्र करो, मैं कब तक बाप से रुपए मंगवाऊंगी? जब तक तुम्हारे बाप का दिवाला ना निकल जाए। देखो जी, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। फिर गुलबदन, तुम्हें कौन सा मजाक पसंद है? हाय हाय, तुम्हारे लड़के ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, फिर कुछ तोड़ दिया है। तो तुम जोड़ दो। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? माँ मारेगी। क्यों? प्लेट टूट गई। प्लेट टूट गई? कैसे? जियो। अरे दुलारे। बाबूजी बाबूजी, माँ आ रही। अच्छा अच्छा, या चीज़ा, चीज़ा। अरे दुलारे, दजाने जी कहाँ मर गया है? देखो जी, ये 7 प्लेटें तोड़ चुका है। 7 नहीं, 8। हाय राम, ये भी तोड़ दी। न जाने ये कौन से मनुष्य दिन पैदा हुआ था। दिन तो अच्छे ही पैदा हुआ था, जो काम मेरी वकालत नहीं कर सकी इसका जन्मदिन कर देता है। इसके जन्मदिन की आमदनी से ही तो घर का खर्च चलता है। लेकिन अब क्या होगा, इस वक्त घर में कुछ नहीं है, इसके जन्मदिन को तो 9 महीने हुए। 9 महीने? हाँ ठीक तो है, साल भर में जन्मदिन का कानून तो किसी बेवकूफ का बनाया हुआ है। भगवान ने तो खुद ही 9 महीने का चक्कर चलाया है। 9 महीने में जन्म तो 9 महीने में जन्मदिन मिला। वाह वाह, क्या कहने हैं, अगर इतना ही दिमाग वकालत में लड़ाते तो न जाने क्या हो जाता। अबे दुलारे आजा, अब कोई खतरा नहीं। आजा बेटा, आजा आजा। देख, आज तेरा जन्मदिन होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर शहर भर के मालदारों को न्योता देने चलेंगे। देखो जी, सबसे पहले अपनी बहन कविता के यहाँ जाना। हाँ हाँ, क्यों भाई, क्या कहेगा कविता आंटी से? आंटी, आज हमारा जन्मदिन है, खाना खाने आना। बेवकूफ, जब करेगा खर्चे की बात करेगा, खाना खाने आना। सुन, ये कहियो, समझे? हाँ, पर देखो बाबूजी, मुंह पे ना मारना, पीठ पे मारना। अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए निर्मल बाबू। ओ प्यारे मोहन जी, नमस्ते। अच्छा, आप भी हैं? ओह, आपने तो घर को ही कचहरी बना रखा है। वकील साहब, यहाँ तो 20 साल की वकालत में एक दिन भी घर पे काम किया हो तो हराम। बस कचहरी में ही मुकदमा लेता हूँ, वही तैयार करता हूँ और वही उसका खात्मा कर देता हूँ। आपकी क्या बात है प्यारे मोहन जी, आप अकलमंद आदमी। ये ठीक है आप, लेकिन निर्मल बाबू, ज्यादा अकलमंद होना भी लानत है। आप देखिए ना, इतने मुकदमे आते, आधे तो पड़ोसियों को बांटने पड़ते। वैसे आपका तो ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, भगवान की कृपा है। कहिए, आज कैसे आना हुआ? हाँ, बेटे क्या नाम है तुम्हारा? दुलारे मोहन। बाप का नाम? प्यारे मोहन। दादा का नाम? प्यारे मोहन। क्यों आए हो यहाँ? अंकल को बुलाने। किस लिए? आज हमारा जन्मदिन। जी अच्छा, मुबारक हो। थैंक यू। बड़ा होशियार हो गया आपका लड़का। हाँ, किसी पास से। क्यों भाई, बस बस बस? हाँ अंकल, हमारा एक ट्रैसकल जरूर लाना। हाँ जरूर। अबे वकील का बेटा है या भिखारी का, भीख मांगते शर्म नहीं आती? पिताजी, आपने तो कहा था पेट पे मारूंगा, मुंह पे क्यों मारा?
क्या नाप शनाप पकता है। मारपीट क्यों करते हो भैया, ट्राइसिकल आ जाएगी, लो फल खाओ। नहीं नहीं, मेरा हाजमा ठीक नहीं है, ये खा लेगा। बेटे भूख ना हो तो जेब में रख ले, नहीं बुआ नाराज हो जाएगी। ओ भूल गया कविता, सुनील का तार है, आज ही आ रहा है वो। अच्छा, कौन सुनील? वही अपने पेंटर जो विलायत गए थे। आज वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छे मौके से आ रहे हैं, उन्हें भी साथ ले आइएगा। और हाँ, कह दीजिएगा बच्चे का जन्मदिन है। मैं समझता हूँ सालगिरह के रस्मों रिवाज से तो वो अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे। हाँ क्यों नहीं। और देखिए आप लोग जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। नहीं नहीं, जरूर आएंगे। चल बे चल। अरे ये क्या मिठाई दी थी, प्लेट नहीं, रख प्लेट, रख। कोई बात नहीं, प्लेट बाद में भिजवा देना। अच्छा, नहीं टूटी तो वापस भिजवा। चल देखिए। नमस्ते वाकेला जी, बड़ी कृपा की आप। इसमें कृपा की क्या बात है, आप बुलाएं और हम ना आए। अच्छी हो भाभी, ये तकलीफ करने की क्या जरूरत है, बच्चे का जन्मदिन है, इसमें तकलीफ की क्या बात है। आइए आइए। अरे गोदावरी, आप लोगों को कुछ मिठाई विठाई खिलाओ, कुछ खातिर वातिर करो। चलिए आइए आइए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैडम टुनटुन, हम आपका बाबा के लिए प्रेजेंट लाया है। पर इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, आप आ गई, सब कुछ आ गया। आप बीच में काहे को बोलता है, हम अपना भतीजा के लिए प्रेजेंट लाया है। कहाँ है डियर दुलारा? अबे दुलारे, कहाँ छिपा बैठा है? देख तेरी आंटी तेरे लिए क्या लाई है। आओ बेटी आओ, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। देखो बाबा, हम तुम्हारे लिए क्या प्रेजेंट लाए हैं। हम अपना बाग से, अपना हाथ से तोड़ के लाया तुम्हारे वास्ते। आप खुद इतना बोझा उठा कर लाया, कोई आपको पार्टी वाला नहीं मिला? अरे भाई मैडम को पानी वानी पिलाओ। हमको पानी नहीं पीने का, हम लोग को दूध पीने को मांगता है। कमान दूध पिएगा जाओ। सब बच्चे तुम्हारे ही हैं या मोहल्ले भर के उठा लाई? भैया कविता आओ आओ, निर्मल बाबू नहीं आए? वो बाद में आएंगे। आएंगे तो कहा? तुम्हारी ट्राइसिकल तुम्हारे अंकल अभी लेकर आते होंगे। अबे मतलब ये आ जाएगी ट्राइसिकल? हुआ तो कुछ मिठाई विठाई तो खिला। चलो दीदी। ओ बहू रानी, जीती रहो जीती रहो। चलो ना आंटी। तुम चलो बेटा, मैं भी आती हूँ। आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई, कभी आती ही नहीं। बात यह है कि जरा काम काज से फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो आपकी कोई होती नहीं, लेकिन वो तो आपके सगे भैया हैं, कम से कम उन्हीं से मिलने आ जाया करिए, हम भी दर्शन कर लेंगे। अब बातें नहीं सुना? मैं क्या बातें सुनाऊंगी, आने दीजिए उन्हें, वो सुनाएंगी बातें। अच्छा बाबा, उसकी भी सुन लूंगी, पहले उसे आने तो दे। आ बैठ। रेनू को नहीं लाई? नहीं दीदी। हेलो कविता। हेलो शीला। अरे तू कब आई? बस जब तुमने देखा। जीजा जी कहाँ? वो अभी आते ही होंगे। बस मुझे जीजा जी की यही आदत पसंद है, कभी साथ आते ही नहीं। कह देना उनसे मुझे बहुत शिकायत है। ऐसी ही शिकायत है तो घर आकर खुद क्यों नहीं बात कर लेती? घर आने से क्या वो मिल जाएंगे? उन्हें मिलने के लिए तो किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। आ बैठ। मैंने कहा जी, जैसी उम्मीद थी वैसी बात बनी नहीं। दरअसल लोग भी कुछ होशियार हो गए हैं, फूल पत्तों से ही काम चलाने लगे। देखो ना उस भैंस को, चरने के लिए आई। मेरे ख्याल में तुम कार्रवाई शुरू करा दो, ये लोग तो खाते ही जा रहे हैं। बात ये है कि दूसरे के घर लोग कुछ खाते भी ज्यादा है। हाँ, जितना माल आना था आ गया, तुम अब शुरू कराओ। ठीक है कविता, निर्मल बाबू का और इंतजार करें या कार्रवाई शुरू की जाए? आप कार्रवाई शुरू करवा दीजिए भैया, उन्हें देर हो गई है लेकिन वो आएंगे जरूर। कोई बात। Thank you.
आ गई कविता। मेरा इस तरह अपमान कराने से आपको क्या मिल जाता है? अपमान? अपमान कैसा? अगर आपको पार्टी में नहीं आना था तो आपने वादा क्यों किया? ओ, पार्टी? क्या करूं कविता, एक नया काम आ गया। काम आता नहीं, लिया जाता है। लिया जाता है? तो क्या तुम चाहती हो मैं काम काज छोड़ दूं? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप वादा करना छोड़ दें। कविता, मेरी समझ में नहीं आता एक छोटी सी बात पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? जिसे आप छोटी सी बात समझते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है। जानते हैं पार्टी में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे? लोगों की बातों पर चलने लगे तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्तेदारी भुला देनी चाहिए। भाभी तो नाराज थी, भैया भी गिला कर रहे थे। कम से कम बच्चे का तो ख्याल किया होता, वो ट्राइसिकल के लिए बार बार मुझसे पूछ रहा था। ओह, ट्राइसिकल। खैर कोई बात नहीं, कल एक की जगह दो भिजवा देंगे बस। कल दो तो क्या, 10 भी भिजवाएंगे तो अब वो बात नहीं बनेगी। ओफो कविता, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे न जाने से किसी को फांसी लग गई। अच्छा देखो, कल सवेरे मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, तुम्हारे भैया से भी मिलाएंगे और ट्राइसिकल दीदी आएंगे, और तुम वो शॉपिंग के लिए भी कह रही थी ना, वो भी निपटा लेंगे। सुबह 9 बजे तक तैयार हो जाना। कुसुम, अगर कोई क्लाइंट हो तो कहना साहब घर में नहीं है। मगर साहब तो घर में है। मैं जो कह रही हूँ, दरवाजे पर सीट डाल दे, अगर आकर बैठ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मगर काम का आदमी हुआ तो? ओहो, चाहे कोई क्यों ना हो, जा कहते साहब सवेरे से ही बाहर गए हैं और बीबी जी भी घर में नहीं है। पर बीबी जी हुज्जत किए जा रही है, मैं जो कह रही हूँ कह देना घर में कोई नहीं है। बीबी जी यहाँ तो कोई नहीं। कोई नहीं, चलो अच्छा हुआ, आप ही आप चला गया। दरवाजा बंद कर दे और ये खिड़की भी बंद कर दो। हाँ हाँ, खिड़की भी। ओ सुनील, तो तुम थे? जी हाँ, अपना रास्ता खुद बना के आया। तो ये कौन सी नई बात है? याद नहीं कॉलेज के दिनों में जब तुम लेट हो जाया करते थे, इसी तरह खिड़की में से कूद के आते थे। लेकिन सुनील, तुम तो विलायत से कल आने वाले थे। जहाज एक दिन लेट हो गया, लेकिन कल आता तो भी ऐसे स्वागत होता। दरवाजे पर से टाल दो, साहब सुबह से बाहर गए हुए हैं, बीबी जी घर में नहीं है। अच्छा वो अपने आप ही चला गया। सॉरी सुनील, रियली वेरी सॉरी। आया। हेलो निर्मल। हेलो सुनील। विलायत हुआ है लेकिन पुरानी आदतें नहीं गई। तो तुम क्या समझती हो विलायत को पुरानी आदतों को भुलाने के लिए है? नहीं कविता, विलायत तो नई आदतें सिखाने के लिए। अच्छा फिलासफर साहब, वहाँ नई आदतें ही सीखते रहे या कोई पढ़ाई लिखाई भी की? पेंटिंग का डिप्लोमा ले आए? भाई मैं तो डिप्लोमा ले आया, लेकिन तुम्हारा डिप्लोमा बहुत खूबसूरत है। देखी है क्या? नफा है या नुकसान? क्या मतलब? अरे भाई मतलब ये कि दहेज आएगा या? भाई उस हिसाब से तो नुकसान। खैर यार, बड़ा खूबसूरत नुकसान है, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे? इसका एक ऐसा फर्स्ट क्लास पोर्ट्रेट बनाऊंगा कि बस बस बस। एक बार किसी भले आदमी से एक तस्वीर बनवाई थी, ये 7 दिन बैठे बैठे कमर दुख गई। तो क्या हुआ, चीज भी तो देखो। वाह भैया, मेरे लिए तो ये अधूरी है। अधूरी है? क्या बात करते हो यार, आर्ट को किताब विताब पढ़ी है? किताब विताब को छोड़ो, मेरा मतलब ये था कि अगर इसके साथ कविता की भी तस्वीर होती तो इस घर की एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो जाती। ओहो, तो ये मतलब है। क्यों, बाहर जाने वाले थे कहीं क्या? हाँ, कुछ शॉपिंग करनी है। ओहो, ये बात है। मैं भी कहूँ कि साहब बहादुर घर में ये सूट बूट डांटे क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई अगर कोई खास बात ना हो तो मैं भी चलता हूँ साथ। बड़ी अच्छी बात है, चलो जरूर। मैं देखती हूँ, चलती। नहीं नहीं कविता। हेलो स्पीकिंग, कौन? वर्मा? हाँ हाँ, मगर हाँ, अच्छा अच्छा। कविता बात यह है कि आप नहीं जा सकेंगे, यही ना? हाँ, वर्मा कुछ खास आदमियों को लेकर। अरे भाई खास आदमियों को लेके आ रहा है तो क्या मुसीबत आ रही है? आप लोग मार्केटिंग कर आइए, मैं यहाँ बैठता हूँ, वो आएंगे तो बैठा लूंगा। नहीं सुनील, मेरा ठहरना बहुत जरूरी है, बड़े लोग हैं शायद बुरा मान जाएंगे। तुम ही थोड़ी सी तकलीफ कर दो, कविता को शॉपिंग करवा दो। इसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं, फिर कभी देखा जाएगा। फिर कभी क्यों, आज ही चली जाओ ना। सुनील विलायती आर्टिस्ट है, कपड़े की सिलेक्शन मुझसे भी अच्छी करेगा। बहुत अच्छे, घर में भी वकालत करते हो।
अरे भाई हो जाओ, मार्केटिंग में टाइम ही कितना लगता है, आधे घंटे में लौट आओगे। नहीं नहीं सुनील, मेरा ठहरना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई अगर इतना जरूरी है तो ठहरो बस। ओके सॉरी कर। ये देखिए। क्यों सुनील, ये साड़ी कैसी लगती? ये ठीक है लेकिन कुछ खास बात नहीं, थोड़ी गाड़ी है। हाँ। अच्छा ये देखो अच्छी लगती है। अच्छी। अच्छा देखिए आप इन सब साड़ियों को जरा पैक करवा दीजिए। जी अच्छा। और बिल भी तैयार करवा दीजिए। जी जल्दी। जी कविता एक मिनट। वाह इस पोज में तो तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनना चाहिए। पोर्ट्रेट? सुनील तुम मेरा पोर्ट्रेट बना दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए। कोई खास बात है क्या? हाँ जून के पहले हफ्ते में हमारी शादी की सालगिरह है, मैं चाहती हूँ उस दिन उन्हें ये तस्वीर पेश करूँ। बहुत दिनों से उनकी ख्वाहिश है कि उनकी तस्वीर के बराबर मेरी तस्वीर भी हो। अरे हाँ ये तो आज निर्मल भी कह रहा था। भाई तस्वीर बन सकती है मगर तुम्हें रोज कम से कम 3 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी। 3 घंटे क्या, मैं इसके लिए 6 घंटे भी बैठ सकती हूँ, मगर हाँ उन्हें मत बताना। चुपके से उनकी तस्वीर के बराबर इसे लगा देंगे, अचानक देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। भाई मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम अपनी सोच लो, औरतों के पेट में बात हजम नहीं होती। लीजिए सामान आपका गाड़ी में रखवा दिया है। अब और कहाँ चलना है? कहीं नहीं, अब तो घर ही जाऊंगी। चलो रास्ते में तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं? नहीं मैं तो जरा घूमने फिरने के मूड में। चलो तुम भी चलो ना। नहीं सुनील मैं घर जाऊंगी, रेणु मेरे बगैर ज्यादा देर रहती नहीं, रो रही होगी। ओके बाय बाय। बाय बाय। चलो ड्राइवर। Thank you.
चुप रहना सोए मेरी मैना लेके मेरी नींद आ रे। पहले दिन के हिसाब से काम काफी हो गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बहुत थक गई, अब घर जा सकती हो। क्यों, काम खत्म हो गया? देखो ये तो बहुत अच्छी बन रही है। कल कितने बजे आऊं? कल बस आज के वक्त पे। ओके, अच्छा सुनील मैं चलूं। एक मिनट ठहरो, जरा मैं भी चलता हूँ। क्यों, तुम्हें कहीं जाना है क्या? अभी तक बंबई नहीं देखी, सोचता हूँ आज जरा बंबई घूम लूँ। क्यों नहीं? लेकिन कविता तुम अभी से घर जाके क्या करोगे, तुम भी चलो ना। नहीं सुनील, मुझे अब घर जाना चाहिए, रेनू को छोड़े हुए काफी देर हो गई है। तो रेनू को साथ ले लेते हैं, उसे भी घुमा देंगे। चलो ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। चलो मेरे आने का इतना फायदा तो हुआ कि तुमने बंबई तो देखी। लो ये संभालो अपनी बेटी को। आ जाओ मेरी रानी, ये देखो 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 कितना खूबसूरत फूल है, बिल्कुल तेरी तरह है ना, देखो लेगी लेगी फूल। कविता तुम्हारा पोर्ट्रेट खत्म हो जाए तो माँ बेटी का एक साथ पोर्ट्रेट बनाऊंगा, मास्टरपीस चीज बनेगी। पहले एक तो पूरी कर लो, है ना रानी? माफ कीजिएगा, मैं आपके दो मिनट देना चाहता हूँ। फरमाइए क्या बात है। ये है मिस्टर लॉरेंस, अमेरिकन टूरिस्ट, हिंदुस्तान घूमने आए हैं। ये माँ और बच्चे का फोटो लेना चाहते हैं। फोटो? जी हाँ, बात यह है कि हिंदुस्तान की यात्रा पर किताब लिख रहे हैं, उसमें ये फोटो छापना चाहते हैं। अगर आपको इतराज ना हो तो। नहीं नहीं, इसमें इतराज की क्या बात है, प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच, इस पे मैं स्माइल प्लीज, steady. Thank you very much. If you give me your name and address, I'll send you a copy of the book. Oh, I see. Thank you, Mr. Sunil. Thank you, Mr. Namaste. Namaste. पूछती हूँ, तू यहाँ बैठ कर दुनिया भर की अकल बघारता है, मगर तुझे अकल कब आएगी? क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ, औरत को उतनी ही ढील देनी चाहिए कि कब्जे से बाहर ना हो जाए, सारे शहर में तेरे नाम की थू थू हो रही है। दीदी तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता, फिर भी मेरा वक्त जाया करने के लिए चली आई। तुम्हें तो और कोई काम नहीं, मुझे तो अदालत के हजार काम करने हैं। काम काम काम, ये काम ही तुझे एक और ले डूबेगा। अगर घर की इज्जत चली गई तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं दिला सकेगी। दीदी मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मैं कविता के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, तुझे क्यों नहीं भरोसा होगा, तू ही तो एक अनोखा सतजुगी पैदा हुआ है। मगर मेरी एक बात गांठ बांध ले, इस भरोसे के आड़ में जो गुल खिलाए जा रहे हैं तेरे लिए अंगारे बन जाए। देखो दीदी, मैं जानती हूँ तुझे बातें जहर की तरह कड़वी लग रही है, मगर ये जहर नहीं दवाई है। मैं कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर अपना घर संभाल, नहीं तो पीछे लकीर पीटने से कुछ नहीं बनेगा। बस बस बहुत हो गया, तुम रस्सी का सांप बनाकर दुनिया को तमाशा दिखाना चाहती हो? क्या मैं दुनिया को तमाशा दिखाना चाहती हूँ? मैं तुझे बदनाम कर रही हूँ? हाय राम, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैं तुझे अपना समझ कर समझाने आई थी, अब कसम ले ले जो आइंदा फिर कभी आऊं। पर याद रख, ये आग तेरा घर जला के ठंडी नहीं होगी, तेरा मुंह भी जला देगी। दीदी खबरदार, जो मुझे दीदी कहा, मैं तेरी कोई नहीं, आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। अगर तू मेरा भाई होता तो इतनी बदनामी सहने से पहले चिल्लू भर पानी में डूब मरता।
मेरी जी ऊपर है ना? जी नहीं, वो तो बाहर गई हैं। कुछ मालूम है कहाँ गई? शीला बीबी जी के घर गई है। कब गई थी? काफी देर हो गई। वकील साहब। हाँ, कविता से कहना मैं आया हूँ। कविता बीबी, वो तो यहाँ नहीं आई। नहीं आई? शीला तो है घर पे? जी नहीं, मालकिन तो 10 दिन से पूना गई हुई है। अच्छा। कविता, तुम्हें बाल ठीक करने की पड़ी, बस 2 मिनट की तो बात है। कविता प्लीज। अरे भाई, मेरी तो गर्दन अकड़ गई है, जल्दी बस, करो ना। बस 2 मिनट, 2 मिनट। बस 1-2 मिनट ऐसे ही रखना। बस पोर्ट्रेट खत्म हो गया। शुक्र है भगवान का। चलो अब तुम्हें शीला के यहाँ छोड़ा। अब क्या खाक जाऊंगी शीला के यहाँ? इतनी देर हो गई है, वो भी क्या कहेगी? मैं उसे समझा दूंगा कि घर से तुम उसी के जाने के लिए निकली थी। रास्ते में मैं मिल गया, मुझे पोर्ट्रेट खत्म करना था तो तुम्हें पकड़ के यहाँ ले आया। नहीं नहीं, शीला के यहाँ मैं कल चली जाऊंगी, अब मुझे घर चलना चाहिए, उनके आने का वक्त हो गया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो निर्मल से मैं एक बात करना चाहता हूँ। कैसी बात? मैं देख रहा हूँ कि वो अपने काम में कुछ जरूरत से ज्यादा मसरूफ रहता है। आदमी को जितना वक्त घर के लिए देना चाहिए वो उतना नहीं दे पाता। ऐसी तो कोई बात नहीं, जितना वक्त वो दे सकते हैं देते ही। तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगता है निर्मल ने तुम्हारे जैसी बीवी पाने के लिए पिछले जन्म में जरूर कोई तपस्या की होगी। ये बात नहीं है सुनिए, उन जैसा पति पाने के लिए शायद मुझे 7 जन्म तक तपस्या करनी पड़ी होगी। कविता, मैंने बहुत से मुल्कों की औरतें देखी हैं, उन्हें इज्जत देने के लिए उनसे सिर्फ हाथ मिलाना काफी है, लेकिन हिंदुस्तानी औरत के धीरज को देखकर तो उसके पांव छूने को जी चाहता है। अच्छा सुनील, मैं चलूं। अब तो तुम्हारे साथ शादी की सालगिरह वाले दिन ही मुलाकात होगी। अरे हाँ, तुम तो कल बाहर जा रहे हो ना? हाँ, लेकिन मेरे पीछे ये तस्वीर की बात निर्मल को मत बता देना, नहीं तो सारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तुम फिक्र मत कर। ओ, आप? मैं तो डर ही गई थी। से डरना कब से शुरू कर? नहीं तो आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं और वो भी लाइट बंद करके। मेरी आंखें भी तो बंद थी। अच्छा, तो आप सो रहे थे? हाँ, अभी तक तो सो ही रहा था। तुम शीला के यहाँ से आ रही हो ना? कैसी शीला? शीला? अच्छी है वो। कविता, बड़े बड़े मुजरिम भी मेरे सामने झूठ बोलते हुए कांपते हैं, तुम समझती हो तुम बच जाओगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको हो क्या क्या? वही जो बहुत पहले होना चाहिए था। तुम शीला के यहाँ से नहीं, सुनील के यहाँ से आ रही? हाँ हाँ, मैं सुनील के यहाँ से आ रही हूँ, तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी शराफत की आड़ लेकर उस कमीने के साथ रंगलियां मनाती रही और मुझे से पूछ रही हो क्या हुआ? बस कीजिए, मैं और सुनील, आप समझते क्या हम? यही कि तुम पति पर धर्म पर कलंक लगाने वाली उल्टा औरत। उल्टा? आपने मुझे उल्टा कहा? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता कि मैं सुनील के यहाँ क्यों गई थी। पूछने की जरूरत ही क्या है,
जो पुण्य कमाकर तुम वहां से आ रही हो उसे मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। क्या देखा आपने बताइए, क्या देखा? हाथ मत लगाओ। जो पाप करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई वो मुझसे करवाना चाहती हो? मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे सतीत पर इतना बड़ा कलंक लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा पाप आप कर रहे हैं। पापी आप हैं। बाबूजी हट जाओ यहां से। आपने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया? मैं गोली भी मार सकता हूँ, दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जाए घर से, चली जा। ठीक, मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हरगिज नहीं रहूंगी। अगर मेरे प्रेम और विश्वास की आपकी नजरों में यही कीमत है तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहूंगी। सड़कों पर भीख मांगूंगी, भूखी मर जाऊंगी, मगर इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। कुसुम इधर लाओ रेणु। रेणु को हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सारा इस पर नहीं पड़ जाइए। मैं अपनी बच्ची को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ। तू माँ बनने लायक नहीं रही, तू माँ के नाम को कलंकित कर चुकी है, निकल जाए यहाँ से। मुझे अपनी बच्ची से अलग मत कीजिए। रेणु, रेणु मेरी बच्ची। मेरी बच्ची जाती है यानी? मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऐसा जरूर मत कीजिए। रेणु कलंकी नहीं, मुझे रेणु से अलग मत कीजिए, मुझे अपनी बच्ची से अलग मत कीजिए। रेणु उधर कहाँ जा रही है? इधर मत। रेणु मेरी बच्ची। खबरदार जो इस घर में कदम भी रखा। छोड़िए रेणु। घर के दरवाजे छोड़िए, हमेशा के लिए बंद हो चुके। खाना लाया हूँ, खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। ऐसे भूख नहीं, खा लो ना। कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? बाबू जी कहते हैं जो खाने से रूठता है उसे भगवान भी रूठ जाता है। भगवान तो मुझसे पहले ही रूठा हुआ है, अब और क्या रूठेगा। आंटी तुम रेणु के साथ क्यों नहीं लाई? रेणु बड़ी अच्छी लगती है, मैं ले आऊं उसे? उसके पिताजी उसे नहीं लाने देंगे। क्यों? क्यों नहीं लाने देंगे? वो बस ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? बताओ ना, क्यों नहीं लाने देंगे? बात यह है, तुम अभी बहुत छोटे हो ना। मैं छोटा हूँ क्या आंटी? कोई रेणु तो 33 है, मैं उसे उठा सकता हूँ। यूं मैं ले आ रहने को? नहीं बेटे, वो इस वक्त सो रही होगी। सो रही होगी? हाँ, चलो तुम भी चलकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, चलो। मगर आंटी तुम्हें तो सो जाओ ना। हाँ हाँ मैं सो जाऊंगी। नहीं पहले तुम सो, आओ। अच्छा सुबह जाकर इनको ले आऊंगा। अच्छा अच्छा Thank you.
छुपे रहना सोए मेरी मैना लेके मेरी नींदिया रे चंदा रे छुपे रहना सोए मेरी मैना लेके मेरी नींदिया रे दीदे लड़ाती थी उसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। देख गोदावरी, ज्यादा जबान चलाएगी तो जबान खींच लूंगा। किस किस की जबान खींचोगे? उसकी ये करतूतें सारा मोहल्ला जानता है। मैं थूकता हूँ ऐसे मोहल्ले और मोहल्ले वालों पर। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसी सती सावित्री होती तो पति का घर छोड़कर यहाँ ना आती। आएगी, 100 बार आएगी। उसके भाई का घर है। मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए। तू ना जा जहन्नुम में। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि अगर वो इस घर में आके रही तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। धमकी किसे देती है? वो तो इसी घर में रहेगी। तुझे जहाँ जाना हो जा। तो फिर रहो उसी कुलटा के साथ। किसे कहा कुलटा? मैं तेरा गला घोट दूंगा। भैया ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दे भाभी। हट जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये नजरों के सामने से दूर नहीं होगी, तू होगी। भैया मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इस वक्त चले जाओ। चल, मुझे समझा क्या? भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। सुनील। हेलो निर्मल, शादी की सालगिरह मुबारक। अच्छा बताओ, आज के दिन कैसा रहेगा ये तोहफा? निर्मल, निर्मल पागल हो गए हो क्या? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? चले जाओ यहां से, वरना नतीजा अच्छा ना होगा। नतीजा अच्छा ना होगा?
आखिर बात क्या है? जिसकी सूरत से नफरत करा दी उसी की तस्वीर लेकर आया मेरे यहाँ। मैंने नफरत करवा दी भाभी से? कौन राजा भाभी कहा उसे, वरना लोगों का सीता और लक्ष्मण के पवित्र रिश्ते से विश्वास ही उठ जाएगा। साफ साफ बताओ निर्मल, तुम्हारे दिल में क्या घुट रहा है? अनजान बनते हो, इस घर को आग लगाकर दोस्ती की आड़ में मेरी बीवी को वरगलाकर मुझे से पूछते हो मेरे दिल में क्या घुट रहा है? निर्मल, जो हाथ दोस्त के लिए बढ़ सकता है वो दुश्मन के लिए उठ भी सकता है। सुनील, दुश्मन से कैसा सलूक किया जा सकता है वो मैं भी जानता हूं। मुझे तुम्हारे सलूक की परवाह नहीं, मगर मैं ये तुहमत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे तुम तुहमत कहते हो? यह हकीकत है, तुम कविता को चाहते हो, वो आज भी तुम्हारे साथ है। कविता मेरे साथ? बनो मत सुनील, कविता मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने उसे घर से निकाल दिया था। तुमने घर से निकाल दिया कविता को, उसे जो हमेशा अपने पति को भगवान समझती रही? भगवान समझती रही, भगवान समझने वाली स्त्रियां पति को धोखा नहीं दिया करती, और वो छुप छुप के जाया करती थी तुम्हारे यहां, तुम्हारे यहां। हां, वो मेरे यहां आया करती थी। जानना चाहते हो क्यों? इस घर की उस कमी को पूरा करने के लिए जिसको हमेशा से तुम महसूस करते आए। शादी की सालगिरह के दिन यह तस्वीर अचानक तुम्हें पेश करके उसने एक मासूम मजाक करना चाहा, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यह मजाक इतना उल्टा पड़ जाएगा। सुनील, गड़ी हुई कहानियां पर्दा नहीं डाल सकती गुनाहों पर। तो तुम समझते हो यह गड़ी हुई कहानी है, और मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई है? ये लो बंदूक, चलाओ गोली। मैं तुम दोनों के बीच की दीवार बनकर जीना नहीं चाहता। अच्छा, अब इस नए ढोंग से अपनी पारसाई का सबूत देना चाहते हो? लेकिन मैं इतना नादान नहीं हूं, मैं सब तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। चलाओ गोली, बुझाओ अपने दिल की प्यास। कसम है तुम्हें भी दोस्ती की, चलाओ गोली, चलाओ। देख क्या रहे हो, चलाओ गोली। तुम अब भी ये सोच रहे हो कि ये कोई नया ढोंग है? जान सबको प्यारी होती है मेरे अजीज, मुझे भी बहुत प्यारी है, लेकिन दोस्ती से ज्यादा प्यारी नहीं जिसके नाम पे आज तुम कलंक लगा रहे हो। क्यों, सच्चाई का खून करते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कांप गए? सुनील, तो क्या ये सब झूठ था? हां, उतना ही झूठ जितनी मेरी दोस्ती सच्ची है और कविता का पतिव्रत धर्म सच्चा है। तुम नहीं जानते निर्मल, तुमने कितना बड़ा पाप किया है। झूठे अपराध में कविता को घर से निकालने में तुमने एक मिनट की देर नहीं की, जबकि तुम्हारा अपराध वो बरसों बरसों तक खामोशी से सहती रही। मेरा अपराध? हां, तुम्हारा अपराध। तुम क्या समझती हो तुम एक आदर्श पति हो? दिन रात तुम अपने काम में मसरूफ रहे, कभी भूल कर भी तुमने ये सोचा कि तुम्हारी बीवी घर पे अकेली बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है? उसका भी तुम्हारे वक्त और तुम्हारी तवज्जो पे कुछ हक है, उसका दिल भी तुम्हारे साथ के लिए धड़कता है। लेकिन तुम तो उन सैकड़ों में से एक हो जो ये समझते हैं कि पति के फराइज बीवी को सिर्फ रोटी कपड़ा देने तक महदूद है। लेकिन याद रखो, पत्नी भूखी रह सकती है, नौकरों चाकरों और दुनियावी आरामों आसाइश के बगैर रह सकती है, लेकिन अपने पति की तवज्जो और साथ के बगैर नहीं रह सकती। मगर तुम इन बातों को नहीं समझोगे। सुनील, सुनील, और मिस्टर सुनील, कविता देवी का जो हुलिया आपने लिखवाया है, इसके अलावा कोई खास निशानी वगैरह बता सकेंगे जिससे वो पहचानी जा सके? जी नहीं, और कोई ऐसी खास निशानी तो नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, अगर हो सके तो उनका एक फोटो भेजवा दीजिए, और इस बीच में आप भी कोशिश कीजिए, रिश्तेदारों को खत लिखिए, अखबारों में छपवाइए,
मेरा ख्याल है ये घरेलू मामला है, कविता देवी खुद ही वापस आ जाएंगी। फिर भी आप इत्मीनान रखिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कोई खबर मिले तो फौरन इतला दीजिए। जरूर। सुनील, मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, पुलिस को कविता की एक फोटो चाहिए। फोटो? फोटो तो मेरे पास कोई नहीं है, सब जला दिए थे। जला दिए? सुनील, सुनील, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर ना जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। प्लीज सुनील, प्लीज। इन बातों का वक्त नहीं निर्मल, कविता को ढूंढने में हम जितनी देर करेंगे वो हमसे उतनी ही दूर होती जाएगी, हमें जल्दी करनी चाहिए। हेलो, यस जी, हाँ निर्मल कुमार के यहां से बोल रहा हूं। हाँ हाँ हैं, हाँ 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 हाँ, कहाँ? श्यामनगर? अच्छा हाँ, अच्छा ओके, थैंक यू वेरी मच। पुलिस इंस्पेक्टर का फोन है, श्यामनगर के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर का हुलिया बिल्कुल कविता से मिलता जुलता है। सुनील, हमें फौरन श्यामनगर चलना चाहिए। ड्राइवर जल्दी चलो, हमें श्यामनगर पहुंचना है। बैठो बच्चों, कल तुम्हें चांद तारों वाली कविता लिखाई थी ना, आज उसका मतलब समझाऊंगी। अपनी अपनी कॉपी निकालो। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? अपनी अपनी कॉपी उठाओ। बोलते क्यों नहीं? आज पढ़ेंगे नहीं, कहानी सुनेंगे। अच्छा तो इसीलिए ये सब शरारत थी, इम्तिहान में कहानी थोड़ी आएगी। पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। शाबाश, अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते। एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा।
आगे क्या दीदी?
दीदी बताओ ना आगे क्या हुआ? आगे आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बहन जी, आपको बड़ी बहन जी ने बुलाया है। अच्छा, जाओ बैठो। अच्छा बच्चों, तुम लोग शोर मत मचाना, मैं अभी आती हूँ। आओ कविता। मैंने तुम्हारे बारे में जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल ठीक निकला। बच्चे तुम्हें बहुत चाहने लगे। बैठो। आज तुम्हारा एक महीने का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका। अब नौकरी पक्की करने के लिए ये फॉर्म भरकर कमेटी को भेजना है। नाम कविता देवी, एक कुमारी या विवाहिता, विवाहिता, पति का नाम और पेशा। क्या नाम है तुम्हारे पति का? क्यों, क्या बात है जी? मैं ओ समझी, अपने पति देव का नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा लो, खुद लिख दो यहाँ। लिखती क्यों नहीं जी? क्या ये फॉर्म भरना जरूरी है? बहुत जरूरी है कविता, इसके बिना तुम्हारी नौकरी पक्की होनी तो दूर, कमिटी इस पर गौर भी नहीं करेगी। ओ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुम अपने पति का नाम लिख क्यों नहीं रही हो। मेरा दिल इजाजत नहीं देता, मैं उनका नाम किसी हालत में नहीं बता सकती। कविता, तब तो मुझे यहां से जाना होगा। चली जाऊंगी। चली जाओगी? पागल ना बनो कविता। काश कि मैं पागल ही होती, कम से कम छुटकारा तो मिल जाता। कविता, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिसकी मदद किस्मत ने नहीं की उसकी मदद आप कैसे कर सकती? मैं जानती हूं कि सच्चाई छुपाकर मैं पाप कर रही हूं, लेकिन इसे मैं सह सकती हूं क्योंकि इसका फल सिर्फ मुझे ही मिलेगा। सच्चाई बताने का नुकसान उन्हें होगा जिन्हें मैं अपने आप से भी ज्यादा चाहती हूं, और ये मैं नहीं सह सकूं। उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। तुम्हें कोई गलत नहीं समझ सकता कविता, तुम्हें कोई गलत नहीं समझ सकता। मुझे तुम्हारे यहां से जाने का बहुत अफसोस है। खैर, जहां भी रहना खैरियत भेजती रहना। अच्छा मैं चलूं, गाड़ी का वक्त हो गया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। नगर पब्लिक स्कूल की जरा बता सकेंगे? जी हाँ, सीधे चले जाइए, सामने बड़ी बिल्डिंग स्कूल की है। शुक्रिया, चलो ड्राइवर। रेलवे स्टेशन चलो जल्दी। गाड़ी तो चली गई, अब क्या करें?
सुनिए साहब, ये कौन सी गाड़ी गई है? नागपुर एक्सप्रेस। इसका अगला स्टॉप कहाँ है? दामपुर। कितनी दूर यहाँ से? कोई 25 मील। 25 मील। चलो सुनील, हमें ट्रेन से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। चलो चलो। ड्राइवर, दामपुर, दामपुर। पेट्रोल नहीं क्या? जी पेट्रोल तो आज सुबह ही डलवाया है, इंजन में कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है, शायद गर्म हो गया। ओहो, क्या बात है भाई, कितनी देर लगेगी? कह नहीं सकता, कॉइल जल गया है, काफी देर भी लग सकती है। ओहो, तब तो अगले स्टेशन पर भी गाड़ी नहीं मिलेगी। गाड़ी नहीं मिलेगी, कम से कम वहां से टार तो कर सकते हैं। समझ में, जरा जल्दी कर दो। हाँ 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 जी हाँ, मैं समझ गया, फर्स्ट एड का सामान मैंने भेज दिया है जी, लाइन क्लियर है, आप गाड़ी छोड़ दीजिए। जी जी हाँ, मैं 3 नंबर से पास कर दूंगा जी। छोटे बाबू, छोटे बाबू, रिलीफ ट्रेन आ रही है, उसे 3 नंबर से पास करवा दो, मैं बाहर होके आता हूँ। रिलीफ ट्रेन? क्या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ, हर गाँव के पास पुल टूट गया है, नागपुर एक्सप्रेस उसमें गिर गई है। नागपुर एक्सप्रेस? क्या नाम बताया आपने जगह का? हर गांव, यहां से 22 मील दूर। कविता देवी, श्यामनगर से फर्स्ट क्लास की सीट बुक की थी ना? जी हाँ, फर्स्ट क्लास श्यामनगर। जिंदा, जख्मी और मरहूम मुसाफिरों की लिस्ट में तो ये नाम कहीं है नहीं। तो क्या? जी बात दरअसल ये है कि दरिया में पानी का बहाव इतना तेज था कि हम बावजूद अपनी इंतहाई कोशिश के बहुत से लोगों को बचा नहीं सके। तो आपका मतलब है कि कविता देवी? जी हाँ, मेरा यही ख्याल। सुनील, कविता ने मुझे बहुत बड़ी सजा दे दी, वो मुझे माफ किए बिना ही चली गई। मैं सारी जिंदगी साथ में जलता रहूंगा, सारी जिंदगी साथ में जलता रहूंगा।
निर्मल एक बार और सोच लेते तो अच्छा था। नहीं सुनील, मैंने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर भैया इतना तो ख्याल करो कि बरसों का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लेकिन दीदी, जिससे इस घर की शोभा थी जब वही नहीं रही तो मैं यहां रहकर क्या करूं। यहां की हर चीज मुझे काटने को दौड़ती है, बार बार मुझे मेरे पाप की याद दिलाती है। निर्मल बाबू, जो होना था सो हो गया, पर इस तरह जमा जमाया काम धंधा छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं। काम? मुझे काम की याद न दिलाइए। काम ही ने तो मुझसे मेरी कविता को छीना। मगर भैया, नन्ही सी जान रेनू का तो ख्याल करो। यहाँ पर तो फिर भी हम लोग हैं, नए शहर में कौन उस बेचारी की देखभाल करेगा। दीदी, रेणु की खातिर तो मैं यहां से जा रहा हूं। कल जब वो इस शहर में बड़ी होगी और उसको मेरे अपराध का पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, तो मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं उस नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा दीदी। मेरे लिए वो दिन बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ऐसा ना कहिए माँ जी, आपने तो मुझे दोबारा जिंदगी दी है। अगर आप मुझे उस दिन न बचाती तो मैं शायद नदी में ही डूब जाती। बचाने वाला तो भगवान है, मैं तो सिर्फ सेवा ही कर सकती हूँ। तू उसका भी मौका नहीं दे रही है। पर मेरी समझ में नहीं आता, जब तेरे जाने की कोई जगह नहीं, तू अकेली कहाँ मारी मारी फिरेगी? जहाँ भगवान ले जाएगा। अच्छा बेटी, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो ये चाहती थी तू यहीं रहती तो कितना अच्छा होता, मैं तो तुझे अपना ही समझने लगी थी। नहीं माँ जी, मुझ बदनसीब को अपनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपने नसीब का साया किसी पर नहीं पड़ने देना चाहती। मुझे जाने दीजिए, अब मुझे मत रोकिए। अच्छा, नहीं रोकूंगी। अच्छा अब चलती हूँ। जाओ बेटी, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। हैंड अप, खबरदार, हिलना मत। लड़ोगे या हार मानते हो? बहादुर कभी हार नहीं मानते, लेकिन एक निहत्ते दुश्मन पर हमला करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, हाँ ये बात है, तो ये लो। चाहते हो तो अब भी हार मान लो। कभी नहीं, हमारा असूल है मरेंगे या मारेंगे। दुनिया में जंग की आग लगाने वालों का यही अंजाम होता है। ओ हुरे हुरे।
दुश्मन, हमें मालूम है तुम जख्मी हो गए हो, बाहर आ जाओ। धोखेबाज, ये लड़ाई का कानून के खिलाफ है। लड़ाई में कोई कानून नहीं होता। अगर जान प्यारी है तो हार मान लो। हरगिज नहीं। तो कान खोल कर सुन लो, हम पांच तक गिनेंगे, अगर फिर भी तुमने हार ना मानी तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच। अरे दुश्मन किधर गया? नहीं हूँ। नहीं है डैडी? ओहो, डैडी तुमने धोखा दिया। अरे धोखे की क्या बात है इसमें, तुमने खुद ही तो कहा था लड़ाई के कोई कानून नहीं होता। देखो राम, हम हार गई तो मारती है। अच्छा बाबा, तू हार गई, मैं जीत गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जीत गई, मैं हार गया। बस तू बहुत मारती है मुझे, मैं बाबा जी, बाबू जी। अब आ गए मुंशी जी, पांच मिनट ठहरी, मैं अभी आता हूँ। पांच मिनट नहीं, 20 मिनट। डैडी आप तैयार होकर आइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं बेटे, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है, अब जाने दे। देखिए डैडी, आप नाश्ता नहीं करेंगे ना तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा? तो गुस्से हो जाएगी। नहीं, मैं भी नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा। तेरा नाश्ता कहाँ है? आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। डैडी बैठ के खाइए ना, ये भी कोई तरीका है। बैठिए ना। ओहो, अच्छी रीत से खाइए। तू तो मुझे बिल्कुल बच्चा समझती है। बच्चे तो है ही आप। डैडी धीरे धीरे खाइए, डॉक्टर ने जल्दी खाने को मना किया था ना। अच्छा बाबा। डैडी आज क्या केस है? केस? वो दो भाइयों के आपस में मारपीट हो गई थी। भाई ने भाई को मारा? क्यों डैडी, मारने से केस भी होता है क्या? क्यों नहीं? मैं तो आपको रोज मारती हूँ, तो क्या मेरे ऊपर भी केस हो सकता है? हो सकता है नहीं, होगा। मैं करूंगा तेरे ऊपर केस, तू मुझे बहुत तंग करती है। वाह वाह, और मैं जो कह दूंगी, मैंने कभी हाथ उठाया ही नहीं, तो क्या मेरे गवाह नहीं है क्या? मुंशी जी गवाही देंगे, आया गवाही देगी, माली गवाही देगा। तो आप समझते हैं मेरा कोई गवाह ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, तेरी झूठी गवाही देगा कौन? माँ। आप सोच रहे होंगे माँ तो भगवान के पास है, गवाही देने कैसे आएगी? मगर आप ही ने तो कहा था, माँ कहीं भी हो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। मैं आग बन करके कहूंगी माँ आ जाओ, तो क्या वो नहीं आएगी? आएगी बेटा, जरूर आएगी। माँ आ जाएगी तो मेरा ही साथ देगी, आपका थोड़ी। ठीक है बेटा, वो तुम्हारा ही साथ देगी, मेरा साथ तो कभी नहीं देगी। तब तो आप हार जाएंगे। हार जाऊंगा क्या, मैं तो हार चुका हूं बेटा। अच्छा रहना, मैं चलता हूं। डैडी दूध पीना ही पड़ेगा। ओहो अच्छा। डैडी आपको याद है ना? ओ हाँ, सब याद है। 1 बजे खाना, खाने के बाद फल, 15 मिनट आराम, चाय कम, 4 बजे मौसमी जूस और 6 बजे घर वापस, ठीक है? बड़े चालाक हैं, लेकिन मुझसे ये चालाकी नहीं चलेगी। मतलब की चीज छुपा गए ना? मतलब की चीज? सिगरेट। ओ हाँ भूल गया, सिगरेट दिन में सिर्फ 10। ठीक है बताओ। देख लो पूरे 10 है ना? ये क्या? 2 सिगरेट आप सुबह से पी चुके हैं। कहाँ पी चुका हूँ? ओह हाँ हाँ, पी चुका हूँ। अच्छा अब छुट्टी, जाओ। बाय बाय। डैडी। ओहो फिर डैडी, क्या है? कुछ नहीं। क्या है बता ना। कुछ नहीं, आपसे नहीं होगा, मुझे ही बाजार जाना पड़ेगा। कुछ लाना है बाजार से बता तो सही। 6 दिन से कह रही हूँ अपने कमीजों के कपड़े ले आइए, सब कॉलर फट गए, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता। ओफो,
अच्छा नाराज ना हो, आज जरूर ले आऊंगा, प्रॉमिस। आप तो रोज कहते हैं और रोज भूल जाते हैं, कहां तक ख्याल रखूं आपका। अच्छा डैडी एक बात बताओ। क्या है? आप माँ को भी इसी तरह तंग किया करते थे, न जाने माँ ये सब कुछ कैसे सहती थी। तू क्या जाने वो क्या क्या सहती थी बेटा, वो इंसान नहीं थी, देवी थी, देवी। भगवान देखा ना आपने डैडी को, इतने बड़े हो गए और अपना ख्याल भी नहीं रख सकते, सब कुछ भूल जाते हैं, फिक्र मुझे ही करनी पड़ती है। उनके खाने का ख्याल रखो, कपड़ों का ख्याल रखो, सिगरेट पर नजर रखो और अपनी पढ़ाई भी करो। अब बताओ भगवान मैं क्या क्या करूं। लेकिन भगवान मेरे डैडी हैं बहुत अच्छे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। माँ को तो तुमने अपने पास बुला लिया है ना, उससे कहना कि डैडी के बारे में फिक्र ना करें, मैं उनकी पूरी देखभाल करती हूँ। और हाँ भगवान एक बात और, डैडी के पास तो मैं हूँ, उनकी हर बात का ध्यान रखती हूँ। माँ तुम्हारे पास है, तुम उनका हमेशा ध्यान रखना, रखोगे ना भगवान। अरे क्या बात है, तुम लोग सब बैठे क्यों हो, अभी तक खेल क्यों शुरू किया? क्या शुरू करते, ना तुम आई ना अभी तक रतन ही आया है। रतन भी नहीं आया, रोज तो आता था, फिर आज क्या हो गया उसे? पता नहीं क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे तुम ही उसे साथ लेकर आओगे। अच्छा तुम लोग खेल तो शुरू करो, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। अच्छा आ सब लोग आ, बाहर जाने वाला। चल इधर, मान सारे बर्तन, धो सारे कपड़े, नहीं तो मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी, समझा? तू यहाँ क्या करने आई है? चाची मैं रतन को लेने आई थी खेलने के लिए। रतन कहीं खेलने वेले नहीं जाएगा, देखती नहीं काम कर रहा है। माँ मुझे जाने दो, मैं आकर सारा काम कर दूंगी। फिर उठा तू, बैठ, मांझ बर्तन, अगर अपनी जगह सही ले तो टांगे तोड़ दूंगी। मरा खाने को है, काम करते हुए जान जाती है, हाथों में ताकत नहीं है क्या? जल्दी जल्दी मांझ। जल्दी कैसे मांझू, देखती नहीं है हाथ कट गया है, दर्द कर रहा है। है? मुझसे सवाल ले रहा तो है, जबान खींच लूंगी, अगर काम खत्म करे बगैर यहाँ से हिला तो आज तेरी जान की खतरी। चाची मारती क्यों हो बेचारे को? चल हाथ पीछे, बड़ी आई हमायती बनकर, और तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर आज सारा काम खत्म नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। आया तुम तो कहती थी सब माँ अच्छी होती है, फिर रतन की माँ ऐसी क्यों है? ओह, रतन की माँ? हाँ आज मैं उसके घर गई थी, उसकी माँ ने बेचारे को बहुत मारा, बहुत मारा, और बोली मैं तुझे रात को खाना भी नहीं दूंगी। आया रतन तो इतना अच्छा लड़का है, घर का सारा काम करता है, फिर भी उसकी माँ उसको प्यार क्यों नहीं करती? वो उसकी सगी माँ थोड़ी है, वो तो उसकी सौतेली माँ है। सौतेली माँ? सौतेली माँ क्या होती है? तू अभी नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी, तुम बताओ, बताओ ना। बहुत दिन हुए रतन की माँ भगवान के पास चली गई, रतन का बाप शादी करके उसके लिए नई माँ ले आया, ये नई माँ ही तो सौतेली माँ होती है, पर भगवान बचाए सौतेली माँ से, सौतेली तो मट्टी की भी बुरी, पूरी डायन होती है, देखा क्या हाल कर रखा है रतन का, वो इस बेचारे को मारकर ही छोड़ेगी। मारकर ही छोड़ेगी, लेकिन पर तू क्यों फिक्र करती है, वो तो बदकिस्मत बच्चे होते हैं जिनकी सौतेली माँ आए। चल उठ, चल चल खाना खा ले। केस की हीरिंग दोपहर को 3 बजे है ना? जी। जरा वो गोपाल दास की स्टेटमेंट। फिर भूल गए। ओहो समझ।
लेकिन बेटे बस अब थोड़ा सा काम बाकी है, तू चल के लेट, मैं भी आता हूं। नहीं डैडी, डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया हुआ है, चलिए आपको सोने का टाइम हो गया है। बिटिया थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। मुंशी जी, आप अपनी सेहत का ख्याल तो करते नहीं, कम से कम डैडी की सेहत का तो ख्याल कीजिए। चलिए डैडी, मैं आपको नहीं बैठने दूंगी, चलिए ना। ओहो, कहा ना सिर्फ 5 मिनट का काम बाकी है, तू चल मैं अभी आता हूँ, प्रॉमिस। बंद करो फैन, उफ़ ये क्या इशारा था, बंद करो प्लीज। छी छी, देखो ये क्या हालत कर दी तुमने। ठीक ही तो किया, मैं आपको 10 बजे के बाद काम नहीं करने दूंगी, चलिए चलिए ना। तो तुम बहुत तंग करती हो। अच्छा मुंशी जी, जी आप भी तकलीफ कीजिएगा, सुबह जरा जल्दी आ जाइएगा, इस जज के फैसले की तो कोई अपील नहीं है। 12 यही बजने वाले हैं आपको। तो पूरी मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं, बड़े सख्त किस्म की मास्टर नहीं। जैसे अड़ियल बच्चे वैसे ही सख्त मास्टर नहीं। अच्छा बाबा, अब तुझसे कौन बहस करे। वकील तो दरअसल तुझे बनना चाहिए था, मैं तो खामखा वकील बन गया। आप ठीक कहते हैं, कल से आप स्कूल जाया कीजिए और मैं कचहरी जाऊंगी। ओके ओके ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। चलिए अब लेट जाइए। गुड नाइट डैडी। फिर क्या डैडी? कहानी मर गए। तो तूने कहानी के लिए काम बंद करवाया था, है ना? डॉक्टर ने रात में काम करने को मना किया है, कहानी सुनाने को थोड़ी। नहीं बेटे, कल सुबह सुनाएं। नहीं डैडी, दिन में कहानी सुनाने से मामा रास्ता भूल जाता है। लेकिन तेरे मामा तो हर वक्त रास्ता भूले रहते हैं। डैडी सुनाइए ना प्लीज डैडी, चलिए। ओहो अच्छा बाबा। तू कल कहाँ छोड़ी थी कहानी? राम को राजगद्दी पे बिठाने की तैयारियां होने लगी और अयोध्या में लोग खूब खुशियां मना रहे थे और घर घर में दीपमाला हो रही थी। लेकिन जो रानी कैकेयी थी ना, उसने एकाएक अपने महल के सारे दिए बुझा दिए और कोप भवन में जाकर लेट गई और राजा दशरथ से कहने लगी, आपको याद है आपने मुझे 2 वर देने हैं? तो राजा ने कहा, हाँ जो कुछ मांगती है मांग। जानती है रानी ने क्या मांगा? क्या मांगा दीदी? भरत जी को राजगद्दी और श्री रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास। राम जी को 14 बरस का वनवास? क्यों डैडी, केकेयी राम को प्यार नहीं करती थी क्या? आपने ही तो कहा था कि वो उसकी माँ थी। हाँ हाँ, लेकिन सगी माँ थोड़ी थी, सौतेली माँ थी। सौतेली माँ रतन की तरह? आप मुझे नहीं पकड़ सकेंगे अंकल। नहीं पकड़ सकेंगे, ये बात है। तो जरा अच्छा भाई, नहीं पकड़ सकेंगे। बस वो देख कौन आया, पकड़ लिया ना। अब बोल, कपड़े भिगोने की क्या सजा दूं? कपड़े भिगोने की कानून में क्या सजा है ये तो डैडी ही बतला सकते हैं, वो वकील है, मैं नहीं। चल डैडी के पास। वो तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? सच? लेकिन मुझे तो बहुत जरूरी काम था उनसे। अच्छा, तो आप डैडी से मिलने आए थे, मुझसे नहीं। अच्छा नमस्ते। अरे नाराज हो गई भाई, तुमसे भी मिलने आया हूँ, नहीं तो ये इतनी सारी चीजें किसके लिए लाता? सच? जरा दिखाइए तो क्या क्या लाए हैं आप मेरे लिए, दिखाइए ना अंकल। दिखाइए ना अंकल मतलब ही कहीं।
ये देख। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बनाई। बस अब तो खुश? अंकल देखे बगैर कैसी बना ली, मैं तो यहाँ थी, सच बताइए ना। यही तो बात है, जादू के जोर से बनाई है। अच्छा अंकल, आप जादूगर भी हैं? हाँ, तुम नहीं जानती मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। अच्छा अंकल, अगर आप जादू जानते हैं तो जादू से मेरी माँ की तस्वीर बना दीजिए ना। बनाएंगे ना? पगली कहीं की, जादू से भी कई तस्वीरें बनती हैं। वो तो एक तेरी फोटो मेरे पास रखी थी, उससे देख के मैंने बनाई है। ओह, तो ये तस्वीर आपने फोटो को देख के बनाई? हाँ। अच्छा अंकल, आपके पास कोई माँ की फोटो नहीं है क्या? नहीं बेटे, तेरी माँ की कोई फोटो मेरे पास नहीं। डैडी के पास भी नहीं है? मैंने पूछा तो बोले माँ की फोटो थी लेकिन न जाने कहाँ खो गई। हाँ बेटे, डैडी ठीक कहते। तो क्या मैं अपनी माँ की तस्वीर कभी नहीं देख सकूंगी? एक थी तो, लेकिन नहीं, वो अब कहाँ मिलेगी। कहाँ थी बताइए ना। जब तू छोटी सी थी तो एक परदेसी ने तेरी माँ की फोटो एक किताब में छापने के लिए खींची थी। न किताब भेजी न फोटो ही भेजी, 10 साल हो गए। अरे ये क्या, इतनी सी बात पे उदास हो गई? मैं तेरी माँ की तस्वीर बनाने की कोशिश करूंगा, बस अब तो खुश। अच्छा देख मैं तेरे लिए और क्या क्या चीजें लेके आया हूं। सुनील। हेलो सुनील। निर्मल, बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई। भाई तुम तो अपना चक्कर जानते ही हो, आज यहाँ कल वहाँ। वो तो ठीक है, मगर कभी कभार हम गरीबों को भी याद कर लिया करो। मुझसे नहीं तो कम से कम रेणु से ही मिलने आ जाया करो। अच्छा तो तुम क्या समझते हो मैं तुमसे मिलने आता हूँ? अरे मैं तो हमेशा रेणु से मिलने आता हूँ, लेकिन अब की तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, कल तुम्हें इलाहाबाद जाना होगा। इलाहाबाद कल? वो क्यों? बात यह है, मेरे एक दोस्त की सिस्टर का केस है, वो तुम्हें लेना होगा। लेकिन भाई तुम तो जानते हो मैं आजकल ज्यादा काम नहीं लिया करता। जानता हूँ, लेकिन इस केस को तुम्हारे सिवा और कोई फाइट भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तो तुम्हारी तरफ से वायदा भी कराया हूँ। लेकिन भले आदमी कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। क्या केस है? डैडी, आपको सब कुछ याद है ना? वो हाँ हाँ, जो जो कुछ तुमने कागज पर लिख दिया है वही करूँगा। ये ठीक है। अच्छा डैडी, आप इलाहाबाद से कब वापस आएंगे? 6 तारीख को, मुझे याद है। 6 तारीख को तुम्हारे स्कूल में पेरेंट्स डे है, मैं पहुँचाऊँ। देखिए भूलिएगा नहीं, उस दिन सबके माँ बाप आएंगे, और अगर आप नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो फिक्र मत कर, मैं जरूर पहुंचूं। अच्छा सुनील, मेरे आने तक यहीं ठहरोगे ना? भाई मुझे 3-4 दिन में लखनऊ जाना है, तो शायद तुम्हारे आने से पहले ही चला जाऊं। लेकिन केस का जो भी फैसला हो मुझे खबर जरूर देना। लेकिन कौन से पते पे खबर करूं? तुम्हारा पता तो हर दूसरे दिन बदलता रहता है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा दूंगा। अच्छा डैडी, बाय बाय। बाय बाय। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा किया जाए। अगर आप ना होते तो हमारे लिए मुकदमा जीतना नामुमकिन था। जी हाँ भाई साहब, मैं आपके एहसानों को कभी नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तो हमें सुनील का भी एहसानमंद होना चाहिए, जिसकी वजह से आपने बेली से यहाँ आने की तकलीफ का वारा की। तकलीफ कैसी, मुझे तो कोर्ट ही अटेंड करना था, वहाँ ना किया यहाँ कर लिया। तो क्या आप आज ही वापस जा रहे हैं? घर में बच्ची अकेली है, मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। हम तो ये चाहते थे कि आप कुछ दिन यहाँ ठहरते ताकि हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलता। आपकी कृपा है, इस बार नहीं फिर कभी। क्यों भाई साहब,
ये प्रोग्राम कहाँ से आ रहा है बता सके? यही इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से। ओ, कौन गा रहा है? ये तो मालूम नहीं, लेकिन कला भवन में आज कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये वहीं से रिले किया जा रहा है। कला भवन मेरे मन का।
मुझे जाने दीजिए। नहीं कविता, अब तो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। क्या चाहते हैं आप? तुम्हारे जाने के बाद सुनील से मिलकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने पागलों की तरह हर चंद तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, अखबारों में निकलवाया, पुलिस को इत्तला की, तुम्हारे स्कूल तक पहुंच गया था, लेकिन तुम्हें न पा सका। आज 10 बरस के बाद तुम मुझे मिली हो। मैं तुम्हें लेने आया हूं कविता। मैं जानता हूं मेरा कसूर काबिले माफी नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं तुम्हारा दिल मेरे दिल जैसा छोटा नहीं है। मुझे माफ कर दो कविता। ऐसा न कहिए, मैं अपना अपमान सह सकती लेकिन ये तरस नहीं। नहीं नहीं कविता, इसे तरस न समझो, ये मेरी प्रार्थना है। अगर माफ नहीं कर सकती तो जो सजा तुम देना चाहो मैं तैयार हूं, लेकिन परमात्मा के लिए मेरे साथ चलो। तुम्हारा घर और जो कुछ भी तुमसे छीना गया था मैं सब कुछ वापस कर देना चाहता हूं। क्या वापस कर सकते हैं आप? क्या आप मेरी जिंदगी के खोए हुए 10 साल वापस कर सकते हैं? नहीं कविता, नहीं कर सकता। लेकिन यकीन करो, अगर तुम 10 साल दर बदर ठोकरें खाती रही हो तो मैं भी घर के वीराने में भटकता रहा हूं। अगर तुम झूठे इल्जाम की आग में जलती रही हो तो मैं भी पश्चाताप की आग में जलता रहा हूं। तुम्हारे वापस चलने से ही मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है। घर चलो कविता। ये सब सुनने पर भी तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता? रहम? इस 10 बरस ने मुझे पत्थर बना दिया है और एक पत्थर से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्यों नहीं कविता? भगवान भी तो पत्थर ही के होते हैं। जब उनसे रहम की उम्मीद की जा सकती है तो तुमसे क्यों नहीं? बताओ कविता, क्यों नहीं? क्योंकि मैं भगवान नहीं। अच्छा कविता, तुम ठीक ही कहती हो, वो इसी लायक। खैर, मेरा ना सही, कम से कम रेणु का तो ख्याल करो, जो माँ के होते हुए भी माँ के प्यार से महरूम है। तुम नहीं जानती उसके दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, वो तुम्हारे लिए किस कदर तड़पती है। उसने तुम्हें अपने दिल में मूर्ति की तरह बसा रखा है, वो तुम्हारी पूजा करती है। मेरे कसूर की सजा उस बेचारी को मत दो। बीवी के नाते न सही, माँ के नाते वापस चलो कविता। अगर मैं रेणु को उसकी माँ से मिला सका तो शायद मेरे पाप का कुछ प्रायश्चित हो जाए। तो तुम नहीं चलोगी? ठीक है, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता, वो अधिकार तो मैं खुद ही खो चुका हूं। अच्छा, जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। एक दिन इन हाथों से मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, मैं उसका मान न रख सका। आज इन्हीं हाथों से उसे मिटा देना चाहता हूं। रो नहीं कविता, रो नहीं। रेणु इस वक्त क्या कर रही होगी? सो रही हूं। अच्छा, अब तुम भी सो जाओ, काफी देर हो गई। नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगी। क्यों, सारी रात जागने का इरादा है क्या? अब तो मैं रेणु को सीने से लगाकर ही सोऊंगी। मुझे एक रात की नींद नहीं, 10 साल की नींद पूरी करनी है।
ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे। माफ हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे उतरना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तुमने क्या पूछा। जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे ऊंचा। तुमसे है मिट्टी का आंगन तारों की फुलवारी। तुम हो तो लगती है धरती अंबर से भी प्यारी। हमको इतने प्यार से तुम हो अपने पास बुलाते। बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों हम कैसे ना आते। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते रोज तुम्हारे गीत गाते। और कभी तो तुम ना आए आज तुम्हें हम कैसे भाए। अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची। ठहरो पीछे बतलाऊंगा पहले दो एक पप्पी। ये तो सुना होगा तुमने भी मेरे भोले भाले। मुझ पर डोरे डाल रहे हैं कब से दुनिया वाले। मुझको उनसे बैर नहीं है शौक से आए जाए। उनसे कहना जंग और नफरत अपने साथ न लाए।
खोट कपट चतुराई आने वालों से ले लेना, थोड़ा थोड़ा उनको अपना भोलापन दे देना, भोलापन दे देना बच्चों भोलापन दे देना। मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है। हाँ 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 हाँ, ना ना यूं ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो। मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो। हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझको भी अब होगी ना मजबूरी, बच्चा माता मामा सबकी मिट जाएगी दूरी। समय बदलने की है देरी फिर हम मिल जाएंगे, अच्छा बच्चों देर हुई जाते हैं फिर आएंगे, जाते हैं फिर आएंगे, आएंगे फिर आएंगे, आएंगे फिर आएंगे। रेणु अभी तक नहीं आई। आती होगी, कपड़े बदल रही होगी। डैडी, वो देखो आ गई तुम्हारी बच्ची। हेलो क्या हाल है मेरी बच्ची? डैडी आप कब आए, आपने मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताता, मुझे वक्त ही कहाँ मिला, हमारे आते ही तो तुम्हारा खेल शुरू हो गया था। अच्छा ये बताओ मेरे इलाहाबाद से क्या लाए हो? आ गई ना मतलब की बात से। देख आज मैं तेरे लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसका तुझे ख्वाब में भी ख्याल ना आया होगा। अच्छा, इसे पाकर तुम मुझे भी भूल जाएगी। क्या है डैडी जल्दी बताओ ना, क्या है बताओ। रेणु तू अपनी माँ को याद किया करती थी ना, पूछा करती थी मेरी माँ कैसी थी, मुझे कितना प्यार किया करती थी, याद है ना? आज उसी को लेकर आया हूं, यह है तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ बेटे मैं तेरी माँ हूं। नहीं नहीं मेरी माँ तो भगवान के पास है। डैडी आपने ही तो कहा था मेरी माँ भगवान के पास है और वहां से कोई वापस नहीं आता। हाँ बेटी मैंने कहा था, लेकिन तुम ये समझ लो भगवान ने तुम्हारे लिए नई माँ भेजी। नई माँ? तो आप मेरे लिए सौतेली माँ लाए हैं? यही तेरी माँ? हाँ बेटा मैं तेरी सौतेली माँ नहीं, नहीं नहीं ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो भगवान के पास है, ये सौतेली माँ है, मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए, मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए। रेणु, रेणु। ये सब क्या हो गया? बात यह कविता, उस एक्सीडेंट के बाद बहुत ढूंढने पर भी जब तुम नहीं मिली तो मजबूरन यही सोचना पड़ा कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, और रेणु को भी यही बताना पड़ा कि तुम भगवान के पास जा चुकी हो। लेकिन लेकिन अब तो आप सब कुछ बता सकते हैं,
क्या बताऊं? फिर तो यह भी बताना पड़ेगा कि तुम घर से क्यों गई, कहां रही, वापस कैसे आ गई। क्या रेणु को यह सब बताना मुनासिब होगा? उसके मासूम दिल पर क्या असर पड़ेगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, तुम्हें क्या समझेगी? घबराओ नहीं कविता, सब ठीक हो जाएगा। प्यार से तो पराये भी अपने हो जाते हैं, रेणु तो फिर भी अपनी है, ठीक है ना? कविता, आप इतनी जल्दी आ गए कोर्ट से? कोर्ट को तो आधी जिंदगी दे चुका हूं, अब तुम्हें भी तो कुछ वक्त दूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, पसंद है? ये क्या किया आपने? इन सब चीजों की मुझे क्या जरूरत? मगर मुझे तो है कविता, मैं तुम्हारी जिंदगी खोए हुए 10 साल 10 दिन में वापस कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे छोटे से आंचल को संसार भर के वरदानों से भर देना चाहता हूँ। सच तो ये है कविता, मैं आसमान से चांद और सितारों को नोचकर तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूँ। बस जाने दीजिए, मुझे ना रोको। जब बरसों से सूखी हुई नदी में पानी आता है तो धारा बनकर नहीं, बाढ़ बनकर आता है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में खुशियों की बाढ़ आ गई है। जब तुम नहीं थी तब मेरे लिए घर वीरान था, मैं भटकता रहता था, दुकानों में नई नई चीजें देखता था लेकिन मेरे हाथ रुक जाते थे। मैं सोचता था मैं किसके लिए खरीदूं, कौन है मेरा इस दुनिया में। लेकिन तुमने आकर मेरी जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया। ये सब क्या कह रहे हैं? तुम नहीं जानते। जब से तुम आई हो ये चाहता तुमसे एक दरखास्त करूं पर हिम्मत नहीं होती। कहिए ना। वो कॉलेज के जमाने का गीत एक बार फिर सुना सको। ये क्या कह रही है? डैडी, अगर इन्हें इतना ही शौक है तो इन्हें दूसरा पियानो ला दीजिए। ये मेरी माँ का पियानो है, माँ इसे बजाया करती थी। इस घर में माँ की एक यही निशानी है, ये निशानी मैं इनके हाथ नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। रेणु, जाने दीजिए बेटी, अब मैं तेरी माँ के पियानो को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी। रेनु, उन्होंने कहा ना कि वो कभी हाथ नहीं लगाएंगे, बड़ों से ऐसा नहीं कहा करते। चल बेटी। आई एम सॉरी कविता, मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। आप चिंता ना करें, जो कुछ करना होगा मैं करूंगी। मालकिन, क्या है जमुना? मुझसे आपको दुख नहीं देखा जाता।
तो क्या? जी, मुझे बाबूजी ने सब कुछ बता दिया था। मैं ना जानती थी कि आपकी बच्ची आपके साथ ऐसा करेगी। ये तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? आप ठीक कहती हैं मालकिन, उस बेचारी का क्या दोष? जब से उसने होश संभाला है, माँ की जगह माँ की याद नहीं उसे बहलाया है, और वही याद उसकी असली माँ बन चुकी है। क्या किस्मत है, मेरी याद ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मेरी याद ही मेरी दुश्मन है। ऐसे न घबराइए मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? मैं यहां से चली जाऊंगी। चली जाओगी, मगर क्यों? मैं भी तो आस औलाद वाली हूं मालकिन। मैं जानती हूं जब अपने ही पेट की औलाद अपने से दूर रहे तो मां के दिल पर क्या गुजरती है। इतने दिन रेनू मेरे साथ रहे, उसकी सारी देखभाल मैं करती रही। मेरे जाने के बाद आप उसकी देखभाल करेंगी तो धीरे धीरे मेरा जोर बढ़ जाएगा, वो खुद आपके पास आने लगेगी, तो मां का दूध खुद बखुद उसके रगों में बोल उठेगा। वो आपको जरूर मां कहेगी। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर जमुना मुझे रोकिए मत मालकिन। जिस दिन आप दोनों मिल जाएंगी, मेरा ये दुख जिंदगी के सबसे बड़े सुख में बदल जाएगा। मैं तभी वापिस आऊंगी, तभी। आया? अरे ओ आया, कहाँ चली गई? जल्दी खाना लगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज तो खीर भी बनी है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी बनाई है। ऐसी खीर तो पहले कभी नहीं खाई। में जादू आ गया, तूने कमाल कर दिया। पहले कभी ऐसी खीर क्यों नहीं बनाई थी? अच्छी लगी। और लाओ। तुम से कौन बात करता है? आया कहाँ है? आया? वो तो चली गई। चली गई? हाँ, काम छोड़कर चली गई। काम छोड़कर चली गई? कभी नहीं, वो मुझसे कहे बगैर नहीं जा सकती। तुमने उसे निकाला होगा, तुमने उसे निकाला है। नहीं तो मैंने उसे नहीं निकाला। मैं सब समझती हूँ, मुझे आया के साथ देख के जलती थी। तुम नहीं चाहती मैं इस घर में किसी को अपना कह सकूं। तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी, तुम मेरा बुरा चाहती हो। ऐसा ना कह, कोई माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। लेकिन तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। अच्छा अच्छा, माँ नहीं तो ना सही, मुझे नौकरानी ही समझ ले। ले खाना, खा ले, खा ले, खा ले बेटी। खबरदार, जो मुझे बेटी कहा।
अब और नहीं समझ जाता। मैं समझता हूँ कविता, तुम्हारे दिल का दर्द और रेणु की नादानी को देखकर मुझे बेनतहा दुख होता है, लेकिन हिम्मत ना हारो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। वक्त आपकी गलतफहमी दूर होने में 10 साल लग गए, अब कहीं रेणु की गलतफहमी दूर होने में सारी जिंदगी ना लग जाए। मैं भी जाकर रेणु को सब कुछ बता दूंगी। जरा सोच लो कविता, कहीं इसका कोई बुरा नतीजा ना निकले। इससे बुरा और क्या होगा, माँ जिसे अपना अंग समझकर जन्म देती है उसे अपना तक नहीं कह सकती। ठीक है, मगर मुझे मत रोकिए, मैं बार बार अपनी ममता का ठुकराया जाना नहीं देख सकती। रेणु, जो कुछ आज मैं तुम्हें बताने आई हूं शायद तुम्हारी समझ में ना आए, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम भी समझने की कोशिश करना। आज से 12 बरस पहले तुम्हारे पिताजी से मेरी शादी हुई थी, उसके बाद भगवान ने तुम्हें मेरी गोद में भेज दिया। तुम मेरी गोद में हंसती खेलती बड़ी होने लगी, फिर एक दिन किसी गलत फहमी की वजह से घर में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने 10 बरस के लिए तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। उन लंबे 10 बरसों में तुम्हारी याद को सीने से लगाए, मैं कितना रोई कितना तड़पी ये तुम सोच भी नहीं सकती। फिर अचानक तुम्हारे पिताजी आ गए और मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर घर वापस आ गई। रेणु, मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ रेणु। माँ, और तुम मुझे बनाने की कोशिश मत करो, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरी माँ तो भगवान के पास है, जब मैं छोटी सी थी तो माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया था, मुझे डैडी ने सब कुछ बता दिया। नहीं, ये सच नहीं है, तेरे डैडी ने तुझे झूठ कहा। चुप रहो, तेरे डैडी झूठे नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, झूठी तुम हो। तुम समझती हो मैं सौतेली माँ की चाल में आके अपनी माँ को भूल जाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूलूंगी, मैं मर जाऊंगी तब भी नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां माहं ब्रह्म निराकरोत् निराकरणं अस्त्वं निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि। बेटा थोड़ा खुरपत्ती और ले आओ। भद्रं कर्णे भीषणु याम देवाः भद्रं पश्चिमाक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गी सुष्वाङ्गुतस्तनुवीवशेम देवहितं यदायुः। शन्नो मित्र संवरुण। देखिए आप, जयराम जी की बाबूजी। जयराम जी की। कल रेणु बिटिया 2 बार मेरे घर पर नौता देने आई थी, आज कविता देवी का श्राद्ध है। नहीं, श्राद्ध मत कुछ नहीं, मेरा मतलब है श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध नहीं होगा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप हर साल तो कविता देवी का श्राद्ध करते हैं, अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो उनके आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये आप सब चीजें उठा लीजिए, श्राद्ध नहीं होगा। आप देख कह रहे हैं मेरी तरफ, कह जो दिया नहीं होगा, उठाइए सब और जाइए। डैडी, माँ का श्राद्ध नहीं होगा? नहीं। लेकिन क्यों बाबूजी? पितरों के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पंडित जी, श्राद्ध नहीं होगा, आप तशरीफ ले जाइए। मगर क्यों नहीं होगा मेरी माँ का श्राद्ध? आप हमेशा तो माँ का शरारत करते हैं, फिर आज क्यों नहीं? रेणु, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी।
मैं अपने माँ के शरारत को बंद नहीं होने दूंगी। पंडित जी, पंडित जी वापस चलिए, फिर से पूजा शुरू कीजिए। चलिए ना। नहीं नहीं, मैं पंडित जी को नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी पंडित जी। पंडित जी आप जाइए ना। जाते क्यों नहीं, कितनी बार कहूं मैं आपसे, पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी सुनो, सुनो मेरी बात। देखो मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम्हारी माँ जिंदा है, जिंदों के साथ नहीं हुआ करते। मेरी माँ जिंदा नहीं, मेरी माँ मर चुकी है, मुझे छोड़िए, मैं पंडित जी को बुलाती हूँ। खबरदार जो घर से बाहर कदम भी निकाला था, बेवकूफी की हद हो गई। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे ही कहने से मेरी माँ का शरारत बंद हुआ। तुम नहीं चाहती कि इस घर में मेरी माँ की याद जिंदा रहे, तुम नहीं चाहती कि साल में एक दफा भी माँ का नाम लिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। रेणु तुम हद से आगे बढ़ती जा रही है। हाँ, ये मेरी माँ की याद से जलती है, ये इस घर पे धीरे धीरे कब्जा जमा रही है। आपको मुझसे छीना, आया को घर से निकाला, एक दिन ये मुझे भी घर से निकाल देगी, मुझे भी घर से निकाल। रेणु चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मैं आप मुझे मारेंगे, मार डालिए। अच्छा ये मैं मर के अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, नहीं तो ये सौतेली माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। ये डायल है, अबे जो माँ को डायल कहा तो मैं सब हार कहूंगी। ये डायल है बच्ची, हट जा, तेरी वजह से आज डैडी ने मुझे मारा, डैडी ने मुझे मारा। ये क्या किया आपने, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मैं क्या करूं कविता, कुछ समझ में नहीं आता, आखिर ये कब तक चलेगा? रेणु को रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसके हेडमिस्टर से जाके पूछता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए रेणु को हॉस्टल में भेज दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, इससे तो उसका दिल और भी टूट जाएगा, वो समझे कि उसे सचमुच घर से निकाल दिया। तुम भी कैसी बातें करती हो कविता, आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर हमसे कुछ नहीं बन पड़ता तो दूसरों से पूछने में क्या बुराई है। मैं फिर जाता हूँ। ये घर छोड़कर जा रही, जिसकी माँ नहीं उसका कोई नहीं, मेरी माँ को तुमने अपने पास बुलाकर अच्छा नहीं किया। अगर आज वो होती तो ऐसा कभी नहीं होने देते। आज डैडी ने मुझे मारा, मुझे मारा डैडी ने मुझे मारा। लेकिन भगवान ये बात माँ से मत कहना, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। और ये भी मत कहना कि सौतेली माँ की वजह से मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी भगवान, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। रेणु, रेणु तुझे घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, अगर कोई इस घर से जाएगा तो मैं जाऊंगी। मैं तुझे माँ का प्यार देने आई थी, बाप का प्यार छीनने नहीं। अगर मैं वो भी नहीं दे सकी तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा? घर क्या, दुनिया में रहने का क्या फायदा? और अब मैं ये भी जान गई कि मुझे तेरा प्यार वहीं पहुंचकर मिलेगा जहां तू अपनी माँ को समझती है। आज तक तूने अपनी माँ का झूठा श्राद्ध किया, अब सच्चा श्राद्ध होगा और उसे कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। जाने से पहले सिर्फ एक बात मेरी मान ले, एक बार मुझे प्यार कर लेने दे। अच्छा ना, सही जाती हूं। अगर तेरे डैडी पूछे तो कह देना
अब तो अगले जन्म में ही उनके चरणों की धूल माथे से लगाऊंगी। चली गई। अंकल, अंकल मुझे यहां से ले चलिए, अंकल मुझे यहां से ले चलिए, मैं अब यहां नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। अरे तू रो रही है, क्या हुआ बोलना। आज डैडी ने मुझे मारा। तुझे मारा? और माँ का शराब भी बंद करा दिया। शराब बंद करा दिया? क्या हो गया निर्मल को? डैडी इलाहाबाद से सौतेली माँ लाए हैं ना। सौतेली माँ? क्या कह रही है तू? निर्मल ने दूसरी शादी की है क्या? कहाँ है तेरे डैडी? पता नहीं, शायद बाहर गए होंगे। आने दे, मैं उससे बात करता हूँ, तू चुप हो जा। मैं आ गया हूँ, तुझे क्या फिक्र? नहीं होगा तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, रो मत। शाबाश, ये देख मैं तेरे लिए क्या चीज लाया हूं। किताब? हाँ, और ये कोई मामूली किताब नहीं, दुनिया की सबसे कीमती किताब है। बता तो भला ये कौन है, देख अच्छी तरह देख ले। अरे ये तो मैं लगती हूँ। हाँ तू ही तो है, मैंने कहा था ना एक परदेसी ने किताब में छापने के लिए फोटो ली थी, यही है वो किताब। अच्छा बता तू किसकी गोद में है? ये है तेरी माँ कविता। नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। ये तेरी माँ नहीं हो सकती? अरे यही तो है तेरी माँ, नहीं तो तू इसकी गोद में कैसे आ गई? नहीं 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 अंकल, यही तो है वो सौतेली माँ। सौतेली माँ? ये तेरी सौतेली माँ है? क्या कह रही है तू? हाँ हाँ, इसी को तो डैडी लाए। इसी को डैडी लाए? तो कविता भाभी जिंदा है? कहाँ है कविता? बोल रेनू, कविता कहाँ है? बोल ना कविता, कविता, कविता। कविता भाभी, कविता घर में तो नहीं है? घर में नहीं। जय जी, माँ चली गई। तो तुमने सब क्यों परेशान किया? नहीं डैडी, मुझसे गलती हुई, मैंने असली माँ को सौतेली माँ समझा, उन्हें बचा लीजिए डैडी, उन्हें बचा। चलिए अंकल, चलिए चलिए। मालिक, मालिक, क्या? मैंने माँ जी को बहरों के टीले की तरफ जाते हुए देखा है। बहरों के टीले की तरफ? हाँ मालिक, मैंने बहुत सी आवाजें दी लेकिन वो आगे ही चली जा रही थी।
कविता कविता आगे मत बढ़ो कविता रुक जाओ कविता 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 माँ को बचा लीजिए रुक जाओ तेरी अपनी माँ रेनू अच्छी